ये फोल्डर मैंने बनाया वेब ऑलरेडी, तो जल्दी से हम ये देख लेते हैं इसको। 7B किधर गया, ये रहा। ओके, सवाल इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, हम उसको देख रहे हैं और मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी मेंशन की हुई है। Evaluate the view that the most important factor in the success of a restaurant is the availability of accurate cost information. तो इन्होंने रेस्टोरेंट का कॉन्टेक्स्ट भी दिया हुआ है और कहा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि नहीं। तो स्टार्ट में कभी नहीं कहना कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि नहीं, वो आपने कहाँ कहना होता है, एवेल्यूएशन में, चाहे वो एवेल्यूएशन बॉडी में हो रही है या वो एंड पे हो रही है, अप टू यू। अच्छा, तो अब इसका एवेल्यूएशन बननी ये बन सकती थी कि भाई हाँ जी एंड पे, हाँ जी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, या ये बन सकती थी कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, और भी फैक्टर्स हैं जो कि उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जितना कि कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। तो ये इस दो तरीके से आप एवेल्यूएशन कर सकते थे। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने लिखा कॉस्ट आर द मॉनिटरी वैल्यू। अच्छा, मैं इसको 1 मिनट हाईलाइट करता जाता ना साथ साथ। कॉस्ट आर द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर सप्लाई सर्विसेज लेबर प्रोडक्ट्स इक्विपमेंट एंड अदर आइटम्स परचेज बाय द परचेज फॉर यूज बाय अ बिजनेस और अदर अकाउंटिंग एंटिटी। अच्छा, बड़ी जो है ना वो मुश्किल सी डेफिनेशन लिख दी। एनीवे डेफिनेशन तो ठीक है क्योंकि इन्होंने नॉलेज शो करने की कोशिश की हुई है, ऑल्दो ये लेवल 1 नॉलेज है क्योंकि आपने नॉलेज शो की है फ्रॉम द सिलेबस। अभी इसका सवाल को आंसर करने, सवाल के आंसर करने से या पॉइंट को डेवलप करने से कोई ताल्लुक नहीं है, तो लेवल 1 नॉलेज तो हम इसे मान सकते हैं। अच्छा, फिर इट इज द अमाउंट डिनोटेड ऑन इनवाइसेज एज द प्राइस एंड रिकॉर्डेड इन बुक कीपिंग रिकॉर्ड एज एन एक्सपेंस और एसेट कॉस्ट बेसिस। दिस मीन दैट फॉर अ, अच्छा ये तो चलें, ये अभी तक नॉलेज ही चल रही है और लेवल 1 नॉलेज ही है ये, ठीक है। आगे देखते हैं। दिस मीन दैट फॉर अ रेस्टोरेंट बिजनेस कॉस्ट कैन इंक्लूड बाइंग ऑफ वेजिटेबल्स मीट स्पाइसेस एंड आइटम्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मील्स। दिस कुड ऑल्सो इंक्लूड वेजेस और सैलरीज फॉर इट्स वर्कर्स टू बी पेड फॉर देयर सर्विसेज। तो ये क्या किया इन्होंने कि एक तो ये कि मैं इसको कुछ ऐसे करूंगा कि ये इन्होंने लेवल 1 नॉलेज तो शो किया हुआ है, राइट। अच्छा, ये क्या हुआ इसको, अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा ये लेवल 1 नॉलेज इन्होंने शो किया हुआ है, तो मैंने लिख भी दिया साथ कि ये लेवल 1 नॉलेज है। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, बहरहाल अभी नहीं हो रहा ये, तो ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल क्योंकि इन्होंने पीडीएफ में ही लिखा है। एनीवे मैं अंडरलाइन चले कर देता हूँ, वो नहीं हो रहा। चले, ये लेवल 1 नॉलेज है, ब्रैकेट लगा देता हूँ। चले, और आगे जो उन्होंने इस्तेमाल किया है रेस्टोरेंट बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, ये एप्लीकेशन जरूर है लेकिन ये लेवल 1 एप्लीकेशन से ज्यादा नहीं है। इसकी वजह क्या है, वजह ये है कि एप्लीकेशन वॉज नॉट यूज टू डेवलप अ पॉइंट। ये तो उन्होंने नॉलेज शो करते करते एक रेलेवेंट जो चीज है रेस्टोरेंट से रिलेटेड उसको मेंशन कर दिया। तो ये जो आगे उन्होंने बात की हुई है वो हम यहां मैं लिख देता हूँ, ये है लेवल 1 एप्लीकेशन, क्योंकि ये डेवलपमेंट में इस्तेमाल नहीं हुई, ठीक है जी। ये भी मैंने लिख दिया यहाँ पर, इसको नीचे ले जाता हूँ यहाँ। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। ये तो बात हो गई, इसका मतलब है इनको अभी अगर नंबर मिलने हो तो 1 नंबर नॉलेज का और 1 नंबर एप्लीकेशन का मिल जाएगा लेवल 1 के लिए। अच्छा, कुछ लोग एंटर होना चाह रहे हैं, मैं इनको जरा एंटर कर लूं। ऑलराइट, कर दिया। अच्छा, आगे पढ़ रहा मैं। अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन वुड मीन वैलिड प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन। हाँ, वैलिड से ज्यादा बेहतर था कि एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता है कि आपकी कॉस्ट कितनी है, तो ये शायद ज्यादा बेहतर है कि आप यहाँ पर एक्यूरेट लिखो ना कि मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ वैलिड की जगह पे ज्यादा बेहतर है एक्यूरेट, ठीक है जी। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता चल जाता है, ओके फॉर द रेस्टोरेंट। अच्छा, उससे क्या, दिस इज बिकॉज कॉस्ट आर अ की फैक्टर इन द प्रॉफिट इक्वेशन। मतलब एक्यूरेट क्यों होगा, क्योंकि प्रॉफिट निकालते हुए कॉस्ट को ही यूज किया जाता है, एज प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो ये क्योंकि जो प्रॉफिट है वो रेवेन्यू में से कॉस्ट निकालने से आता है, गुड। इसका मतलब है इन्होंने नॉलेज को शो कर रहे हैं और अपनी डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर रही है। ये बताया कि कॉस्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि उससे प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है, और प्रॉफिट क्या होता है,
वो साथ बताया। अच्छा, ये जो इन्होंने फॉर्मूला बताया है ये लेवल 1 नॉलेज है, ये भी याद रखें, क्योंकि ये फॉर्मूला तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है ना डेवलपमेंट में, राइट? तो जो आप डिफाइन करते हैं किसी बिजनेस कॉन्सेप्ट को, वो लेवल 1 नॉलेज है। हाँ, अगर प्रॉफिट को आगे ये फर्दर यूज कर रही है, जैसे आगे हम देखते हैं, हेंस इसका मतलब आगे ये इम्पैक्ट बता रही है, शी इज इनटू एनालिसिस। हेंस इफ द रेस्टोरेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड ऑल देयर कॉस्ट अकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, दे माइट गेट ओवरस्टेटेड प्रॉफिट्स। दिस कुड मिसलीड द रेस्टोरेंट ओनर एज द बोर्ड वुड थिंक दैट दे आर मेकिंग प्रॉफिट्स। ठीक है, ये अब क्या किया, ये अब डेवलपमेंट में आ गई एंड दे हैव यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट इन देयर कैलकुलेशन, सॉरी इन देयर डेवलपमेंट। तो इसका मतलब है ये बन गया लेवल 2 नॉलेज, राइट? ये है लेवल 2 नॉलेज। तो मैं इस लेवल 1 की जगह पे इसको लेवल 2 बना देता हूँ, क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट को आगे डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया। अच्छा, आगे क्या है जी, आगे एंड हेंस माइट टेक डिसीजन विच कुड लीड द बिजनेस टू लॉसेस, क्योंकि उनको पता ही नहीं है उनको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और एक्चुअली नहीं हो रहा है या कम हो रहा है, तो उनको लॉस शुरू हो गया, तो गलत डिसीजन ले लिया, फोर्सिंग द रेस्टोरेंट टू टेक ए लोन। ठीक है, आगे कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीजिंग लाइबिलिटीज फॉर द रेस्टोरेंट। ये हमें यहाँ तक पता चल गया। अच्छा, ये अब क्या है, इम्पैक्ट बता रही है, तो ये चेन ऑफ एनालिसिस इनका चल रहा है, अभी हम देख लेते हैं, लेकिन ये आगे जरा लंबा इन्होंने कर दिया है आगे। हाउएवर इफ एक्यूरेट कॉस्ट कॉस्ट वर आइडेंटिफाइड, दिस माइट अलाउ द रेस्टोरेंट टू टेक प्रॉफिटेबल डिसीजंस, एज नाउ दे विल हैव एक्यूरेट प्रॉफिट्स एंड हेंस डिसीजंस फॉर ग्रोथ सच एज ओपनिंग अ न्यू ब्रांच, फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू डिश, और मूविंग टू अ न्यू लोकेशन नियर टू टारगेट मार्केट कैन बी फंडेड। दिस वुड अलाउ द बिजनेस टू इंक्रीज देयर सेल्स एंड कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीज मार्केट शेयर, अलाउइंग द बिजनेस टू अचीव सक्सेस इन द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। अच्छा, ये क्या किया, काफी लंबा कर दिया, और मल्टीपल ओकेजन पे इन्होंने एनालिसिस मल्टीपल इम्पैक्ट शो किए ऑन मल्टीपल ओकेजन। अच्छा, इनको हुआ कि जब ये बता रही थी ना, तो इनको याद आया, मैं आंसर जब बता रहा हूँ आपको, इतने आंसर बच्चों के पढ़ता हूँ, याद आया कि भाई इसमें मैं कॉन्टेक्स्ट तो उतना डाला नहीं, तो उन्होंने ये जो मजीद इम्पैक्ट दिखाया है ये एप्लीकेशन को शो करने के लिए, जबकि ऑलमोस्ट बात वही थी, उसी का रिवर्स बता रही है, तो इसको वहीं पर भी बता सकती थी। क्यों भाई सफिया, ऐसे ही है ना? सर, मैं चाह रही थी कि ना और क्लियर हो जाए, अगर ऊपर नहीं क्लियर था। हाँ, और नहीं किया तो कोई बात नहीं, अगर बच्चा ऐसे कर रहा है तो इट्स फाइन कि मेरे नंबर ना कटे किसी तरह से। तो इसका मतलब है कि अब अगर मैं यहाँ गौर करूं तो इन्होंने एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया, और किस में इस्तेमाल कर रहे हैं जी, अपनी डेवलपमेंट में, पॉइंट को डेवलप करते हुए रेस्टोरेंट के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, कि डिश के बारे में अगर बता भी दिया ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से, अच्छा कुछ लोग और एंटर होना चाह रहे हैं, मैं जरा देख लूं। ओके, तो ज्यादा बेहतर डेवलपमेंट क्या होती है, कि आप अगर ये बताएं कि जैसे कॉस्ट जो है वो आपको प्राइस चार्ज करने में हेल्प करती है, कि रीजनेबल प्राइस क्या होनी चाहिए, तो रेस्टोरेंट बिजनेस, अगर आप ये बताएं कि रेस्टोरेंट बिजनेस इज अ कॉम्पिटिटिव बिजनेस, देर आर लॉट्स ऑफ रेस्टोरेंट्स, देर कैन बी अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स इन अ मार्केट, तो उसके लिए आपकी प्राइस का कॉम्पेटिटिव होना जरूरी है, और उसके लिए कॉस्ट आपका अगर एग्जैक्टली पता होगी तो यू विल बी एबल टू चार्ज अ कॉम्पेटिटिव प्राइस। ये ज्यादा बेहतर एप्लीकेशन मानी जाएगी जब आपने रेस्टोरेंट के बिजनेस को बताया कि कॉम्पेटिटिव बिजनेस है, क्योंकि कोई यूनिक बिजनेस तो है नहीं, हर बंदा रेस्टोरेंट का बिजनेस खोल सकता है, तो ये ज्यादा कॉम्पैक्ट बन जाता है। बहरहाल ये भी ठीक है कि आपने बताया कि वो डिसाइड कर सकते हैं वो नई डिश डालनी है कि नहीं, तो नई डिश डालनी है कि नहीं, तो उसको आगे फर्दर कंटिन्यू करो कि नई डिश डालने से क्या होगा, कि अगर उस मार्केट में आप नई डिश डालने से आपको यूएसपी मिल जाती है, क्योंकि अदर रेस्टोरेंट्स इन द नियर विसिनिटी वो ये ऑफर नहीं कर रहे, तो यहां मैं अगर ऐड करता हूँ इंडस्ट्री न्यू डिश एंड दैट इज नॉट ऑफर्ड बाय अदर कॉम्पिटिटिव रेस्टोरेंट्स, या अदर रेस्टोरेंट्स ऐसे लिख देता हूँ, अदर रेस्टोरेंट्स, ठीक है, रिजल्टिंग इन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये ना ज्यादा बेहतर, इसे कहते हैं ये ज्यादा बेहतर लेवल 2 एप्लीकेशन बनी है, कि उसी पॉइंट को पकड़ के हमने आगे डेवलप किया, जबकि इन्होंने न्यू डिश की जब बात की
तो आप गौर करो सफिया, आपने आगे कहा या न्यू लोकेशन, आप आगे साथ ही लोकेशन में चले गई या टारगेट मार्केट, और आपने ओवरऑल सम अप किया कि उससे सेल्स और वो बढ़ेगा। तो अगर डिश की बात कर रही है तो वो डिश पे रुकें और उसके साथ सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी को जोड़ें, मार्केट शेयर को जोड़ें। सफिया आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? तो यस सर, ये आपको बताना चाह रहा, तो इस तरह से ज्यादा बेहतर। अच्छा, अगर मैं एक कनेक्शन की बात करूं, चेन ऑफ एनालिसिस की बात करूं, तो गौर करें कॉस्ट से क्या हो रहा है जी, उससे वो अपने उनका प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाएगा अगर वो एक्यूरेट नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, उससे वो जो प्रॉफिट उन्हें लगेगा वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। अच्छा, उससे क्या होगा, उससे वो डिसीजन ले लेंगे गलत डिसीजन जिससे उनको लॉस हो जाएगा, और उससे क्या होगा, उससे उनकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है मल्टीपल इम्पैक्ट इन्होंने शो किए हैं। उसके अलावा उन्होंने और भी शो किए हैं कि अगर कॉस्ट वो एक्यूरेट है तो उससे आप प्रॉफिटेबल डिसीजन लेंगे और उससे फिर आपको ग्रोथ में मदद मिलेगी, ओपनिंग नई ब्रांचेस खोल सकते हैं, ठीक है, उससे कंपेटिटिव एडवांटेज मिल रहा है, उससे आपको फाइनली मार्केट शेयर और तो मल्टीपल कहीं पे नजर आ रहा है। तो मैं इसको लेवल टू एनालिसिस है ये, ठीक है। और अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो इन्होंने बिल्कुल डिश वगैरह की बात की है कि लेकिन उसको डेवलपमेंट में उतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकी जितना कि करना। ना देखो, खाली मेंशन कर देना डिश को या रेस्टोरेंट का नाम मेंशन कर देना काफी शायद ना हो। आप ये भी कर सकते हैं किसी ब्रांड का नाम ले लें और उस ब्रांड में बता दें कि जी ऐसे हो रहा है, ऐसे आपने कहा KFC और मैकडोनल्ड्स, क्योंकि उनमें बहुत कंपटीशन होता है, तो अगर वो कंपैरेटिव प्राइस रखेंगे क्योंकि दोनों की क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम होती है और लोग दोनों को प्रेफर करते हैं इक्वली, तो ये भी एप्लीकेशन एक बहुत अच्छी बन जानी थी। तो आप इस तरह से ब्रांड्स वो भी ऐड कर सकते हैं। हमने स्पेसिफिक आंसर में देखा भी था कि ब्रांड्स ऐड किए जाते हैं, एग्जामिनर ने भी किए हैं, तो वो भी एप्लीकेशन थी। तो मैं यहाँ पर इनको अगर कहूँ तो चूंकि डिश वगैरह की बात की है लेकिन दैट इज नॉट ऑफर्ड बाय अदर रेस्टोरेंट, तो ये जो मैंने लिखा ये डेवलप्ड एप्लीकेशन है, जो आपने की वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड रह गई, थोड़ा जनरल हो गया कि सेल्स बढ़ेगी कैसे, डिश से कैसे बढ़ेगी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो भी लेवल 1 ही है, वो लेवल 2 पे नहीं पहुंची, ठीक है। लेकिन आंसर आप अच्छा लिख रही हो क्योंकि डिटेल डिटेल्ड आंसर लिखा हुआ है, इसी से इम्प्रूव होगा और कोई तरीका नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं। एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन अलाउज प्राइसिंग डिसीजन टू बी मेड, वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं लिख दिया सफिया आपने, वो कितना लिखा हुआ है वो भाई, ऐसे चलो खैर ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा अवॉइड करें। पता क्यों, अगर आप ज्यादा नंबर लेने के चक्कर में हो कि मैं ज्यादा बता दूं अच्छा बता दूं फाइन, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टाइम खत्म हो जाएगा, आपके पास इतना टाइम नहीं होता। तो टाइम को मैनेज करके आप इतना लिख सकती हो, इट्स परफेक्टली फाइन। तो अगर नहीं लिख सकती तो देयर इज एन इशू, क्योंकि सेक्शन बी के लिए 40 मिनट्स आपके पास होते हैं, ये आपने जहन में रखना। तो अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो अगर 40 मिनट्स होती हैं और आपको सवाल कितने करने होते हैं उसमें, आपको 2 में से 1 सवाल करना होता है, तो 1 सवाल करना है तो 20 नंबर का, इसका मतलब आपके आपके पास 1 मार्क के लिए 2 मिनट है। तो अगर आपके पास 12 नंबर का क्वेश्चन है तो आपके पास 24 मिनट होंगे, ये ध्यान में रख के करना है। 8 मार्क्स का है तो आपके पास 16 मिनट होंगे, इस तरह से अटेम्प्ट करना है। अच्छा, दिस इज बिकॉज कॉस्ट डेटा इज यूज टू हेल्प सेट प्राइसेस फॉर डिशेज इन द रेस्टोरेंट। अच्छा, ये प्राइसेस की बात कर रही है। इफ द रेस्टोरेंट हैज नॉट करेक्टली रिकॉर्डेड परचेज ऑफ देयर इंग्रेडिएंट्स, रॉ मीट, वेजिटेबल, फ्रूट्स और पोल्ट्री, दे वोंट नो दैट सच परचेजेस वर मेड एंड दैट देयर कॉस्ट हैज बीन पेड बाय द बिजनेस, ठीक है, बट नॉट रिकॉर्डेड, अगर वो नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, हैंड द बिजनेस वोंट बी एबल टू ऐड दिस टू द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द मील बीइंग प्रिपेयर्ड, कॉन्सिक्वेंटली दे विल देन बी चार्जिंग अ लोअर प्राइस, दिस माइट रिड्यूस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। हां, कि उनको नहीं पता चला कि उनकी कॉस्ट ज्यादा है और उन्होंने प्राइस कम चार्ज कर दी, और कम चार्ज करने से उल्टा उनको प्रॉफिट कम होना शुरू हो गया या नुकसान शुरू हो गया, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा थी, उन्होंने कैलकुलेट ही नहीं की सही तरीके से। एक्यूरेट फोरकास्टिंग है ना, तो बिल्कुल सही है, डेवलपमेंट हो रही है इसके अंदर, तो यहाँ पर भी कनेक्शन में नजर आ रहा है। अच्छा, आगे टू द टोटल रेवेन्यू माइट, अच्छा आगे क्या है जी, एज देयर प्राइस, अच्छा जी चैट में क्या कह रहे हैं सर, ये पहला पॉइंट नहीं ही नहीं है सर, ये पहला पॉइंट ही नहीं है। हाँ नहीं, पहला पॉइंट में कॉस्ट की बात की है, अच्छी बात आप कर रहे हैं, पहला जो पॉइंट है उसमें वो कॉस्ट की बात कर रहे हैं और प्रॉफिट से जोड़ रहे हैं कि वो प्रॉफिट की कैलकुलेशन में हेल्प करता है। यहाँ पे अभी मैं देखता हूँ ना कि अगर उन्हें प्राइस के साथ जोड़ा है, अभी आगे पढ़ लेता हूँ, देखता हूँ मैं,
अभी सिमिलर लग रहा है, सिमिलर तो लग रहा है. दिस माइट रिड्यूस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एज दे विल बी मेकिंग प्रॉफिट्स. हाउएवर एज द प्राइस वुड बी लो देयर टोटल रेवेन्यू माइट हाई एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कैन स्टॉप द रेस्टोरेंट फ्रॉम मेकिंग वैल्यूएबल डिसीजन ऑन द राइट टाइम एज दे वोंट हैव सफिशिएंट कॉस्ट इन्फो. अच्छा बहरहाल ठीक है, प्रॉफिट उतना नहीं होगा. इन कॉन्ट्रास्ट इफ एक्यूरेट कॉस्ट आर रिकॉर्डेड प्राइस बीइंग सेट फॉर द प्रोडक्ट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द कॉस्ट अकर्ड टू प्रिपेयर द मील एंड हेंस देयरफॉर द बिजनेस विल बी एबल टू मीट इट्स इनकर्ड कॉस्ट एंड एज अ रिजल्ट वोंट मिस आउट ऑफ प्रॉफिटेबल डिसीजन वाइटल फॉर द बिजनेस सक्सेस. तो ये बिलाल आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू अबव पॉइंट है कि आपने कॉस्ट को प्रॉफिट के साथ जोड़ा हुआ है और ऊपर भी यही बताया हुआ है. सफिया बताओ क्या ऐसा नहीं है? ऊपर भी आपने कॉस्ट को प्रॉफिट से जोड़ा है, यहाँ पर भी वही बात की हुई है. या तो यहाँ पे आप प्राइस की बात करके आपने ऊपर बात की कि प्राइस आप कम चार्ज कर लेंगे तो प्रॉफिट कम होगा, लेकिन आप ये कह सकते थे यहाँ पे कि प्राइस आप कंपेरेटिव चार्ज कर सकते हैं जो मैंने ऊपर मेंशन कर दिया. सफिया सर ये मैंने ये डिफरेंट. बात की है सर, क्योंकि बात हो रही है एक्यूरेट कॉस्ट की, तो ऊपर मैंने ये बात की कि प्रॉफिट जो है वो इफेक्ट हो रहा है, और मैंने नीचे ये बात की कि प्राइस गलत सेट हो रही है, उसकी वजह से प्रॉफिट इफेक्ट हो रहा है। हाँ ये ठीक है, तो फिर प्राइस को आप इसी से जोड़ो ना, क्या कम प्राइस है तो समझ आ गई बात आपकी कि अगर आप प्राइस जो सेट, तो उसका मतलब प्रॉब्लम तो कॉस्ट का ही आया ना. ठीक है कि कॉस्ट आपने नहीं कैलकुलेट कर पाए और उसकी वजह से प्राइस जो है वो वजह से आपकी, आपकी प्राइस कम सेट होगी, उसकी वजह से आपका रेवेन्यू कम होगा, वो फिर चेन बन रही है। हाँ क्वाइट, हाँ सही है लेकिन क्वाइट सिमिलर है. तो आप यहाँ पर अगर मैंने ऊपर वैसे मेंशन कर दिया, लेकिन यहाँ पर अगर प्राइसिंग की तरफ ही चले जाती ना कि आपने होटल बिजनेस है तो अगर आपकी क्वालिटी फूड की अच्छी है एंड यू आर एबल टू चार्ज अ लोअर प्राइस या कंपेरेटिव प्राइस आफ्टर नोइंग व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस, तो वो उससे सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो शायद ज्यादा बेहतर हो जाता. खैर एनीवे ये भी ठीक है, मैं समझ गया हूँ कि आपने प्राइस से लिंक करके प्रॉफिट को बताया. लेकिन कोशिश करें कि आप जरा वो पॉइंट लिखें जो कि उतने सिमिलर ना हो, क्योंकि किसी जगह पर है. अगर मैं कहूं तो पहले पार्ट में आपने प्राइस की बात की है, लेकिन उससे अगर थोड़ा आगे चले जाएं तो शायद प्रॉफिट का ही जिक्र हो रहा है. कहां से? या इन कॉन्ट्रास्ट ये अगर मैं बात करूं तो इसमें शायद कॉस्ट और प्रॉफिट, आपने कहा आर रिकॉर्डेड प्राइस इज बींग सेट फॉर द प्रोडक्ट विल बी कन, ये कुछ थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर भी मुझे नजर आया यहाँ पर. एनीवे अगर मैं इसको मार्क करूं तो इस पॉइंट को यहाँ चेन मौजूद है, लेकिन इसमें वही बात, फ्रूट्स पोल्ट्री वेजिटेबल्स को इस्तेमाल करने से एप्लीकेशन आपकी लेवल 1 पे ही रहेगी, लेवल 2 पे नहीं जाएगी जब तक आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपकी डेवलपमेंट में फिट इन नहीं होती. अगर वो फिट इन होगी तभी वो लेवल 2 पे जाएगी. तो यहाँ पर भी पोल्ट्री वेजिटेबल्स फ्रूट्स इस्तेमाल करने से लेवल 1 पे ही गए हैं आप. और आगे आपने जरूर कहा कि कॉस्ट का एक्यूरेट नहीं करेंगे तो उससे आप प्राइस सही तरह से डिटर्मिन नहीं कर पाएंगे जिससे आपको प्रॉफिट नहीं हो. तो यहाँ तक बात ठीक है आपकी, यहाँ तक ठीक है ये बात. तो यहाँ पे कनेक्शन नजर आ रहे हैं हमें, बिल्कुल आ रहे हैं कि कॉस्ट आप अगर सही कैलकुलेट नहीं करते या रिकॉर्ड नहीं करते तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा हो निकलेगी, और अगर आप पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा निकलेगी और आपने प्राइस कम चार्ज कर लिया तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाएगी. तो इसका मतलब है चेन तो मौजूद है इसके अंदर, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, और नीचे भी बात आपने की हुई है ऑलमोस्ट वही, उसी का ऑपोजिट करके ही बता रहे हैं कि एक्यूरेट कॉस्ट अगर होगी तो प्राइस ज्यादा अच्छी. ये इस तरह का काम ना करो कि एक चीज बताई है उसी को रिवर्स करके दोबारा बता दिया. इसको मिरर इमेज बोलते हैं और उसके नंबर नहीं होते, सिर्फ आपका टाइम ज्यादा लगेगा और फायदा कोई नहीं होने वाला. तो एक साइड बता दी ना कि नुकसान क्या होगा, अब उसी को उल्टा करके फायदा बताने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है. अच्छा तो यहाँ पर मैं एक तो लेवल 1 एप्लीकेशन के नंबर दूंगा, लेवल 2 के नहीं दूंगा. और इसमें एनालिसिस की अगर बात करूं तो आपके दो इम्पैक्ट मुझे नजर आ रहे हैं इसके अंदर, कि एक्यूरेट कॉस्टिंग ना करने से पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा है और प्राइस कम होने से प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा. तो मैं बिल्कुल यहाँ पर आपको लेवल 2 एप्लीकेशन दे सकता हूँ, नीचे जो बात की है उसकी जरूरत नहीं थी. अच्छा फिर आगे आपने फाइनली बहुत लंबा लिख दिया, एनीवे इन व्यू ऑफ द अबव अवेलेबिलिटी, इसको अवॉइड सर करने के आपने लिए. ऊपर 2 दफा एप्लीकेशन लिख दी है। सर अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल सही, चलिए ठीक है, इसका मतलब कोई याद भी रहे तो ये लेवल 2 एनालिसिस बन जाता है. आगे चलते हैं जी. अच्छा इसमें ना कहीं पर भी ये नहीं हुआ कि आपने ना जो एवेल्यूशन ना बॉडी कर सकते थे, जरूरी नहीं है, लेकिन एग्जामिनर कहता है कि आप एवेल्यूशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ एंड पे ही करें, सिर्फ एंड पे वो तो करनी होती है, बॉडी में भी कर सकते हैं. जैसे अगर आपने बताया कि जो पहला पैराग्राफ आपने लिखा, सॉरी दूसरा, दूसरे में आपने बताया कि वो जो प्रॉफिट आपका कम हो जाता है, ये लिखा ना आपने यहाँ पर, और मैंने लिखा कि कंपेरेटिव नहीं होता, तो आप लिख सकते थे कि अगर मार्केट कंपेरेटिव है तो प्राइस वुड बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर
ठीक है, फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। अगर मैं ये लाइन लिखता हूँ, ये बात तो रेस्टोरेंट की बात ही हो रही है ना, ये लाइन लिख देता हूँ एंड पे, इसका मतलब है मैंने वैल्यूएशन कर दी। आपने कहा बिकॉज ऑफ द फोर मेंशन रीजन, दैट इज प्राइसिंग, जो मैंने भी लिखा, तो एक कंपैरेटिव मार्केट में जो कि होटल बिजनेस की होती है, तो उसमें दिस कुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कैन लीड टू द सक्सेस ऑफ अ रेस्टोरेंट बिजनेस। तो ये वैल्यूएशन हो रही है, मैं अपने आर्गुमेंट की वैल्यूएशन कर रहा हूँ, तो एक दो लाइन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती आर्गुमेंट के बाद। लेकिन जरूरी क्या होता है कि आप जब वैल्यूएशन कर रहे हो तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस करना होता है, अदरवाइज वो वैल्यूएशन कभी भी नहीं बनेगी। तो मैंने एड्रेस किया ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट को, तो क्योंकि स्टेटमेंट यही थी कि रेस्टोरेंट का बिजनेस सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, तो मैंने कहा जी होगा, मैंने यहाँ कह दिया। अच्छा, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि प्राइस इंपॉर्टेंट है, बट आई डोंट थिंक इट इट वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कैन लीड टू द सक्सेस ऑफ अ रेस्टोरेंट बिजनेस, मैं ऐसे कह देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ये भी कहा जा लेकिन सकता हम है। यहाँ पे ये बात करें कि एक्यूरेट कॉस्टिंग इम्पोर्टेंट है सक्सेस ऑफ द बिजनेस के लिए कि नहीं, तो हमें प्राइस जो है वो तो एक्यूरेट कॉस्टिंग का एक बेनिफिट है। हाँ बेनिफिट है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्या ये वाकई बिजनेस को सक्सेसफुल बनाता है, तो ये वैल्यूएशन होगी ना, फायदा देता है। तो आप कहेंगे कि प्राइस इज वन ऑफ द की एलिमेंट, बट इट इज नॉट, आई बिलीव इट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कैन लीड टू द सक्सेस ऑफ अ रेस्टोरेंट बिजनेस। तो ये लिखा जा सकता है ना, वैल्यूएशन बनेगी ये। अच्छा, और बेहतर ये होता है कि आप बॉडी में अगर वैल्यूएशन करना चाह रहे हैं ना, तो ऐसी करें जो आपकी एंड वाली वैल्यूएशन को सपोर्ट करे। जैसे सफिया ने एंड पे जो वैल्यूएशन की है ना, उसमें उन्होंने वो अगेंस्ट गई है कि एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन खाली काफी नहीं है, और भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो आप गौर करो ना, मैंने जो ये वैल्यूएशन बनाई यहाँ पर बॉडी में, ये सपोर्ट कर रही है एंड वाली फाइनल वैल्यूएशन को। तो आपने सवाल लिखने से पहले वैल्यूएशन सोच लेनी है, कोशिश करें कि बॉडी में भी इस तरह से कर दिया करें, उससे बहुत हेल्प मिलेगी और एंड पे आपको वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा लंबा नहीं लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं जल्दी से पढ़ता हूँ कि इन व्यू ऑफ द अबव अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन वुड अलाउ द रेस्टोरेंट टू मेक डिसीजन ऑन द राइट टाइम दैट आर क्रूशियल फॉर द रेस्टोरेंट सक्सेस। ठीक है, हाउएवर दिस माइट नॉट ऑलवेज बी द रीजन फॉर अ सक्सेसफुल रेस्टोरेंट, दिस इज बिकॉज क्वालिटी ऑफ द डिश बीइंग सर्व्ड आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द सक्सेस ऑफ बिजनेस सच एज अ रेस्टोरेंट, दिस इज बिकॉज रेस्टोरेंट ऑपरेट टू सेटिस्फाई कस्टमर्स विद देयर मील्स। ये बहुत अच्छी बात आपने कर दी, और आप कह रहे हैं कि भाई वो इम्पोर्टेंट है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, माइट नॉट ऑलवेज बी द रीजन कि बिजनेस सक्सेसफुल हो। तो यहाँ पर और ज्यादा बेहतर है कि माइट नॉट बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन, सवाल की स्टेटमेंट को एज इट इज एड्रेस करें। बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो ये अब समझ आती है, आप फाइनल रिवीजन कर रहे हैं, सही है, इसमें आपने इन कॉन्टेक्स्ट भी है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। अच्छा, क्योंकि खाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको कोई सस्ती प्राइस पे गंदा खाना दे देगा खाओगे? ऑफ कोर्स नहीं। तो इट इज अ सेंसिटिव इशू व्हेन इट कम्स टू ईटिंग इन अ रेस्टोरेंट। तो ये तो मैंने आपको कहा था कि आपने फाइनल वैल्यूएशन करते हुए वो पॉइंट लेना है जो बिगेस्ट इंपैक्ट डालता है, आपको लगता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप वही बता रही है यहाँ पर, ये अच्छी बात ये। तो आगे हमने लिखा कि इफ द क्वालिटी ऑफ द मील इज नॉट ऑफ द कस्टमर स्टैंडर्ड और लैकिंग, देन द कस्टमर विल मोस्ट लाइकली नॉट ईट फ्रॉम द रेस्टोरेंट अगेन, दिस विल अफेक्ट द रेस्टोरेंट रेपुटेशन एज दे ऑपरेट टू सर्व कस्टमर डिमांड्स, एंड व्हेन दे फेल टू मीट दिस ऑब्जेक्टिव दे हैव अल्टीमेटली फेल टू बी सक्सेसफुल सक्सेसफुल बिजनेस। बिल्कुल सही है, डेवलपमेंट भी हुई हुई है, आप लेवल 3 एवोल्यूशन पे जा रही हो, हेंस व्हेन टॉप क्वालिटी मील्स आर प्रेजेंटेड टू द कस्टमर दिस विल जस्टिफाई देयर प्राइस। ऐसा भी ये काम नहीं करना, आप हर जगह ये काम कर रही हो कि एक साइड बताकर उसी को रिवर्स करती जा रही है, इसका फायदा कोई नहीं है। अच्छा, एंड बट कंसिक्वेंटली रिजल्ट इन रिपीट परचेज एज फूड इज समथिंग दैट कस्टमर्स प्रेफर ओनली इन द हाइएस्ट क्वालिटी। ये बात बिल्कुल सही है, तो एक ही साइड पर हो ना, ड्यू टू हाइजीन केयर देयरफॉर दे विल ओनली विजिट दोज रेस्टोरेंट अगेन दैट दे थिंक हैव फुलफिल्ड देयर क्राइटेरिया, दिस वुड रिजल्ट इन इंक्रीज मार्केट शेयर एंड गुड वर्ड ऑफ माउथ एज कस्टमर्स यूजुअली सजेस्ट रेस्टोरेंट्स टू देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली दैट आर ऑफ देयर लाइकिंग, दिस कैन हेल्प द रेस्टोरेंट अचीव अ वाइडर मार्केट विद लॉयल कस्टमर। तो ये मल्टीपल इम्पैक्ट इन्होंने शो किए हुए हैं और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट इन्होंने की हुई है, विलिंग टू पे द रेस्टोरेंट डिजायर्ड प्राइस, जो प्राइस अच्छा वाइडर मार्केट विद लॉयल कस्टमर विलिंग टू पे द रेस्टोरेंट डिजायर्ड प्राइस। वो क्या कह रहे हैं कि प्राइस उनकी मर्जी की होगी फिर, क्योंकि वो पसंद कर रहे हैं। अच्छा, फिर फर्दर
The competition in the market will also determine if the restaurant is successful or not. This is because if the restaurant is able to gain the maximum, इसकी जरूरत नहीं थी. यानी कि आपने ये जो इतना सारा लिखा है इसमें ऑलरेडी आपने Level 3 एनालिसिस अचीव कर लिया हुआ है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. बस वो जो मिरर इमेज है ना वो वाला काम छोड़ दो, वो नहीं करना. तो मैं आखिरी लाइन पढ़ देता हूँ यहाँ पर. टू कंक्लूड, अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन माइट बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इन्होंने लिखा है, रीजन फॉर बिजनेस सक्सेस. हाउएवर इट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर बिजनेस सक्सेस एज कस्टमर्स विजिट रेस्टोरेंट फॉर देयर फूड एंड फूड अलोन. बिल्कुल सही है, मुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल आपने एंड सही कर दिया. तो जो मैंने ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा था आपने कभी यहाँ पर दूर कर दिया. मैं यहाँ पर लिखूंगा कि आपने आप सक्सेसफुली रीच कर गई हो Level 3 एनालिसिस. और Level 3 एनालिसिस का कॉन्टेक्स्ट में होना जरूरी है जो आप रही हो, क्योंकि इवैल्यूएशन हाँ सॉरी एवोल्यूशन. और मैंने आपको फर्क बताया था कि Level 2 एवोल्यूशन में और Level 3 एवोल्यूशन में क्या फर्क होता है कॉन्टेक्स्ट का. Level 3 इवैल्यूएशन कॉन्टेक्स्ट में होता है। हाँ, तो ये आपने कॉन्टेक्स्ट में लिखी है तो आप ये Level 3 पे पहुंची. और एक और बात, यहाँ पर ना अगर मैं कहूँ ये डेवलप्ड एप्लीकेशन होती है Level 2, कि आपने खाने को पकड़ा और खाने की इम्पोर्टेंस बताना शुरू कर दी और उसको वो आपका मेन फोकस था इन योर डेवलपमेंट. तो ये है Level 2 एप्लीकेशन जो यहाँ आपने की हुई है. ऑल राइट, तो कॉन्टेक्स्ट में नजर आ रहा है. इसका मतलब है मैं उनको अगर नंबर दूं तो एप्लीकेशन इन्होंने 2 जगह तो Level 1 ही इस्तेमाल की हुई है. तो इसमें अगर मैं इनका 1 नंबर काट लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि 2 नंबर है ना एप्लीकेशन के. नॉलेज की बात करूँ तो Level 1 नॉलेज है और Level 2 नॉलेज मुझे ऐसा कोई खास हाँ आगे नजर आया है. यहाँ पर Level 2 नॉलेज भी है तो इसका मतलब है इनको 2 नंबर नॉलेज के मिल गए, 1 नंबर एप्लीकेशन का मिल गया, 3 हो गए. और अगर एनालिसिस की बात करूं तो Level 2 एनालिसिस यानी कि 12 नंबर के क्वेश्चन में आप कहीं पर भी Level 2 शो कर दो ना तो आप समझ जाओ आपको Level 2 मिल गया, 2 नंबर मिल गए. याद रखिए बॉडी में कहीं पर भी, तो आपने तो खैर माशाल्लाह 2 जगह किया हुआ है. तो Level 2 भी मिल गया तो आपके नंबर हो गए 5, एक क्या कहती है, 2 नॉलेज के, नॉलेज के 2 हैं कि 1 है, 1 है ना, ये क्या हुआ है. सर नॉलेज के 2 मार्क्स हाँ, 2 है नॉलेज के, 2 है एप्लीकेशन के, 1 3, और एनालिसिस के भी 2, 5 हो गए. उसके बाद हम आ जाते हैं वैल्यूएशन पे. तो वैल्यूएशन आपने और कहीं नहीं की, आपने सिर्फ एंड पे ही की है वैल्यूएशन. बॉडी में करते हैं तो अच्छी बात थी बहरहाल, लेकिन आपने यहाँ पर वैल्यूएशन की भी है और Level 3 पे आप जा रही हो. तो मैं आपको यहाँ पर आपने फूड की बात की मेनली और उसके अलावा कोई ऐसा कोई खास बात आपने नहीं की कि फूड की क्वालिटी अच्छी होना जरूरी है. मेरे हिसाब से आपको एक आधा, क्योंकि आपने बॉडी में नहीं की हुई तो एक आधा फैक्टर और आप मेंशन कर सकती थी, जैसे कि द वे फूड इज सर्व्ड, द ओवरऑल एनवायरनमेंट ऑफ द. मैंने हाँ जी, एक किया मेंशन, फर्दर द कंपटीशन आपने वो पढ़ा नहीं है, फर्दर द कंपटीशन इन द मार्केट विल आल्सो डिटरमाइन अच्छा द नीचे रेलेवेंस। नीचे था कहीं, नीचे रह गया है सर वो यहाँ. आपने स्किप कर दिया था, नहीं नीचे बिल्कुल अच्छा नीचे मैंने एंड पे। मैंने स्किप कर दिया था. अच्छा ओके, मैं देख लेता हूँ. ये सारे बच्चों का ही फायदा होगा इसके ऊपर. सर, इन 12 मार्क क्वेश्चन विल 1 डेवलप पॉइंट बी एनफ इफ नॉलेज एनालिसिस एंड एप्लीकेशन आर शोन. मलाइका, अच्छा ये पहले जवाब दे दूं. मलाइका, 12 नंबर के क्वेश्चन में आपको Level 2 नॉलेज, Level 2 एप्लीकेशन, Level 2 एनालिसिस कहीं पर भी शो कर दें तो आपको नंबर मिल जाएंगे. तो 0.1 या 2 से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. लेकिन मैंने बताया हुआ कि 2 पॉइंट लिख दिया करें ताकि आप कहीं मिस हो जाए तो आपका Level 2 एनालिसिस कहीं तो आ जाए, ठीक है. लेकिन एग्जामिनर ने देखना है Level 2 एनालिसिस कहाँ है. जहां होगा 2 दे देगा. Level 2 नॉलेज कहाँ है, जहां पर भी है 2 दे देगा. क्योंकि यहाँ पर कोई मेंशन थोड़ी किया हुआ कितने पॉइंट लिखने हैं. हाँ, 8 नंबर के पॉइंट में क्वेश्चन में मेंशन किया होता है 2 पॉइंट लिखने हैं, तो वहां दो दो पॉइंट में आपको शो करनी पड़ती है ये स्किल्स. क्या नहीं, अच्छा तो आपने मेंशन किया हुआ है यार, ये क्यों चेंज हो जाता है बार बार, आई डोंट नो क्या मसला है इसके साथ. हाँ जी, कहाँ पे है जी, मैंने कहाँ से छोड़ा है आप कह रही हो. मुझे तो नजर नहीं आ रहा है, वो लाइन ही खत्म हो रही है. कहाँ लिखा हुआ है, फर्दर द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट विल ऑल्सो डिटर्मिन इफ द रेस्टोरेंट इज सक्सेसफुल और नॉट. दिस इज बिकॉज इफ द रेस्टोरेंट इज एबल टू गेन द मैक्सिमम मार्केट शेयर मीनिंग अट्रैक्टिंग देयर राइवल कस्टमर्स एज वेल एज ड्यू टू गुड कस्टमर सर्विसेज दिस कुड मीन दैट द रेस्टोरेंट वाज सक्सेसफुल. हाँ ठीक है, आपने किया हुआ लेकिन इसको कोई अच्छे से डेवलप नहीं किया, थोड़ा सा आपने जिक्र जरूर किया हुआ है. तो आपको Level 3 पे मैं जरूर लेके जाऊंगा क्योंकि Level 3 तो लिखा हुआ है मैंने. मैं इसमें 5 नंबर दूंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि Level 3 के 6 नंबर नहीं होते, Level 3 का होता है 5 से 6 नंबर.
तो मैं 5 नंबर दूंगा। इसका मतलब है कि 1 नंबर मैंने एप्लीकेशन का काटा और 1 नंबर एवेल्यूशन का काट दिया। तो मैं आपको यहाँ नंबर दूंगा कितने, 10 नंबर दूंगा 12 में से। यहाँ नंबर आ गए 10/12। ठीक है जी, डन हो गया। आगे चलते हैं, जल्दी से, इस पर टाइम लग गया काफी, लेकिन कोई बात नहीं है, ये जरूरी है। अच्छा अब आगे चलते हैं जल्दी से बच्चों के क्वेश्चन पे, और इसको देखते हैं जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन था, और अगर नहीं कंप्लीट होता ना ये, तो हम इसको कल की क्लास में कॉन्टिन्यू करेंगे, कोई बात नहीं। फातिमा अगर है तो मैं देख लू, फातिमा है? फातिमा आप जाग रही हो? यस सर, हाँ जाग रही हो, ओके, ऑल राइट। तो मैं जल्दी से, आप ना ये कोशिश किया करो कि मुझे ना पीडीएफ में भेजा करो, वरना मुश्किल हो जाती है मेरे लिए चेक करना भी। एनीवे मैं इसको खोलता हूँ पेंट में। अच्छा ये ना पहला क्वेश्चन है, 1A। मैं आपको दिखा देता हूँ कि 1A क्या है, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म मोटिवेशन। 2 नंबर है नॉलेज के, अच्छी सी डेफिनेशन दे दें, 2 नंबर ले लें, उसके 2 पार्ट समझ जाएंगे। इन्होंने क्या लिखा है कि इट इज अ प्रोसेस, मोटिवेशन एक प्रोसेस हो सकता है, बिल्कुल सही है, थ्रू विच द एचआर डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस फुलफिल द इंडिविजुअल और अदर नीड्स, डिजायर्स और वांट्स ऑफ द एम्प्लॉई। बहरहाल एचआर पे चली गई, बहरहाल, इन ऑर्डर टू मेक देम लॉयल टू द कंपनी। अच्छा, moreover it drives them to work hard and do the job efficiently as they know they will get incentives afterwards। अच्छा ये ठीक है आपकी बात, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ नहीं गया ये वाला हिस्सा, ये जरा चला गया है कि आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसकी जरूरत नहीं थी। हाँ प्रोसेस वाली बात बिल्कुल ठीक है, और दूसरा कि वो अपने काम को एफिशिएंटली करेंगे वो उन्हें पता है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर आपकी डेफिनेशन जो है वो किसी तरीके से कंप्लीट हो गई, कि एक पोर्शन प्रोसेस का है कि मोटिवेशन बोलती क्या है, तो मैं आपको 2 में से 2 नंबर दे सकता हूँ, लेकिन वो अवॉइड करें, एक्सप्लेनेशन टाइप की चीजें ना दें, क्योंकि डिफाइन करना है, क्वेश्चन है डिफाइन का, तो उसमें आप अगर एक्सप्लेनेशन करने लग जाओगी तो फिर वो डेफिनेशन नहीं रहेगी ना। तो फातिमा ठीक है ना, बहरहाल आपने किसी तरह से डेफिनेशन के पार्ट को कवर कर लिया, जिसकी वजह से आपको नंबर 2 मिल गए। आगे चलते हैं जी, अगला सवाल है, तो इसमें दोनों नॉलेज के नंबर मिल गए। आगे जी, एक्सप्लेन वन नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स दैट कुड बी यूज्ड फॉर आ बिजनेस एम्प्लॉइज। नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स कोई एक बताना है, तो इन्होंने क्या बताया जरा देख लेते हैं। एज आइडेंटिफाइड बाय मैस्लो एंड हर्ट्जबर्ग, फाइनेंशियल अवार्ड्स आर नॉट द ओनली वे टू मोटिवेट वर्कर्स टू वर्क हार्ड। ओके, नॉन फाइनेंशियल अवार्ड्स ऑल्सो प्ले अ बिग रोल व्हेन इट कम्स टू मोटिवेटिंग वर्कर्स। ठीक लिखा है, इसकी वजह, इसका नंबर फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन वैसे मैं इसको अगर टिक मार्क करना चाहूं तो कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल मार्क कोई नहीं है इसका अभी तक। वन ऑफ देम, हाँ यहाँ से शुरू हुआ है काम, वन ऑफ देम इज बीइंग किधर गया, वन ऑफ देम बीइंग द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफर्ड बाय द बिजनेस टू इट्स वर्कर्स। वेरी गुड, ये इन्होंने क्या किया, एज इट हेल्प देम टू एनहेंस देयर स्किल्स। ठीक, ये इन्होंने बताया कि ट्रेनिंग हेल्प करती है उनको स्किल्स को एनहेंस करने में, तो ये क्या शो किया इन्होंने, ये इन्होंने यहाँ पर कोई बताएगा बच्चा क्या चूक किया इन्होंने? Level 1 नॉलेज, क्योंकि इन्होंने बिजनेस कॉन्सेप्ट्स को, कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया है, और वो कौन सा, वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और इसके बारे में बताया भी गई करती क्या, तो एडवांटेज भी शो किया ना, तो Level 1 नॉलेज है, ये तो मिल गया ना। आगे देखते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल, अब उन्होंने एग्जाम्पल शो किया, क्योंकि अभी 2 नंबर एप्लीकेशन के हैं, ठीक है, Level 2। फॉर एग्जाम्पल, employees in a manufacturing business might find it hard to adjust after the introduction of new machinery, which can be a demotivating factor. After the right training offered to them, they will be able to perform the job more efficiently, which enables the employees to grow professionally and increase their chances of promotion. गुड, ये डेवलप कर रही है, एनालिसिस का नंबर कोई नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन को डेवलपमेंट में इस्तेमाल करना था, और इन्होंने जो कॉन्टेक्स्ट यूज किया है वो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो आगे क्या लिखा है, देयर चांसेस ऑफ प्रमोशन, आगे व्हाइल स्पेसिफाइड, क्या लिखा है ये फातिमा, विच इज मुझे स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर इन मास्लोज हायरार्की ऑफ मैस्लो हायरार्की, नीड्स। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। दिस विल लीड टू लो